कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सूखी सर्दियों का दौर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। गुलमर्ग समेत कई घाटी के पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार को जमकर बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में हुई ताज़ा बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। इलाके में पिछले तीन दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से कल यानी रविवार को राजौरी पूंछ के रास्ते शोपिया होते हुए कश्मीर को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर में बिछ गई। इसकी वजह से सड़क यातायात पूरी तरीके से ठप हो गए। लोकल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क से बर्फ को हटाने का काम किया, जिसके बाद एक बार फिर से यहां पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह तक घाटी में ज्यादातर जगहों पर बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। मौसम में हुए इस बदलाव के बावजूद टूरिस्ट यहां पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग के बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटकों ने बताया है कि यहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए हैं। अभी दो दिन पहले मैं यहां था, कोलाई ग्रीन में मेरा स्टे था। ये पूरा कुछ भी नहीं था यहां पे, सिर्फ मट्टी और सिर्फ पूरा खाली था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि यहां पे बहुत अच्छा स्नोफॉल मिला और हम भी इतनी दूर से स्नोफॉल देखने के लिए यहां आए थे। हमें मालूम पड़ा यहां स्नोफॉल हो रहा था, हम श्रीनगर से आज वापस गुलमर्ग आए हैं। गौरतलब है कि इस बार कश्मीर के बहुत से इलाकों में बर्फबारी और सालों के मुकाबले बहुत कम देखने को मिली, जिसे लेकर यहां घूमने आने वाले पर्यटकों काफी मायूस थे। कई लोगों ने तो पहले से कराई अपनी एडवांस बुकिंग भी कैंसिल कर दी थी, लेकिन अब गुलमर्ग में बर्फबारी देख यहां पहुंचे पर्यटकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। बार तो स्नोफॉल बहुत लेट से हुआ है, सो हमने टिकट्स कैंसिल कर दिया। प्रेडिक्शन देखा था कि 26 से स्टार्ट होने वाला है, सो हम 25 को फिर आए, सोनमार्ग में गए, वहाँ पे भी ऐसे फर्स्ट स्नोफॉल हुआ, वी एक्सपीरियंस दैट। और आज यहाँ पे भी ऐसा स्नोफॉल तो जिंदगी में कभी नहीं देखा था, वी आर सो थ्रिल्ड टू बी हियर। गौरतलब है कि कश्मीर में इस साल पहले के मुकाबले काफी कम बर्फबारी हुई है, जिसे लेकर न केवल स्थानीय लोगों बल्कि हर साल यहां आने वाले बहुत से पर्यटक निराश होकर ही लौट गए। वहीं मौसम विभाग की माने तो यहां आने वाले दिनों में कश्मीर में बर्फबारी का ये दौर जारी रह सकता है।